जैसे ही कश्मीर से धारा 370 व आर्टिकल 35 से हटाने के प्रावधान की जानकारी लगी तो इस पर लोगों का उत्साह व खुशी देखते ही बनी। भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही युवाओं द्वारा आतिशबाजी कर पटाखे फोड़े गए। मध्य प्रदेश के देवास जिलों ने युवाओं ने तिरंगा लहराकर भारत माता की जय के नारे लगाए। युवाओं ने बैंड बाजे पर देशभक्ति गीतों की धुन बजाकर जश्न मनाया। मोदी जी ने देश मंशानुरूप कार्य किया है, अब उनसे उम्मीद है कि भगवान राम मंदिर के निर्माण को लेकर उसकी ओर कदम बढ़ाया जाए। कश्मीर से जो धारा 370 हटाने का प्रावधान केंद्र सरकार ने मोदी जी ने अमित शाह जी ने जो लाए हैं बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। हम सभी में एक उत्साह का माहौल है। मोदी जी जिंदाबाद। आतंकवाद से कहीं ना कहीं हमें इसमें दोहरा लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। मोदी जी और गृह मंत्री शाह के द्वारा हिंदुस्तान में आज बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जो कि विगत 70 सालों से उसका हम भुगत रहे थे। तो कश्मीर में स्पेशली धारा 370 लागू की गई थी, उसमें स्पेशली जो पावर उनके पास थे उसके कारण ना तो भारत सरकार उसमें विकास कर पा रही थी और बहुत सारे ऐसे कुछ डिसीजन थे जो उसमें हमें परेशानी आ रही थी कि वहाँ के संविधान के अनुसार दो प्रधान, दो विधान और दो निशान वहाँ पे थे पहले। लेकिन हमारे मुखर्जी ने उसके लिए आंदोलन किया। आज साक्षात हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो मुखर्जी ने बलिदान दिया था उसको साक्षात कर आज धारा 370 हटाई गई और एक ऐतिहासिक दिन है आज हिंदुस्तान के लिए। आज हिंदुस्तान आज प्रधानमंत्री मोदी जी को वर्षों तक याद रखेगा। ऐसे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री आज हिंदुस्तान में जो धारा विगत कई सालों से चली जा रही थी उसको हटाने का निर्णय लिया, आज हम उन्हें धन्यवाद देते हैं और पूरे भारतवर्ष में इसमें हर्ष की लहर दौड़ गई। सभी की ओर से बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।